हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने वीवो X70 प्रो एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है करंट वॉलपेपर सेटिंग को अपना यूज़ कैसे कर सकते हैं और ये करंट वॉलपेपर सेटिंग जो है कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिल जाएगा लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा लॉक स्क्रीन सेटिंग का, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा लॉक स्क्रीन पोस्टर, इसे सेलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा करंट वॉलपेपर, करंट वॉलपेपर पे सेलेक्ट करना है। तो आपका ये पेज ओपन अगर नहीं होगा ना करंट वॉलपेपर का, तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसी पेज में आपको सबसे ऊपर ये फर्स्ट ऑप्शन मिलता है लॉक स्क्रीन पोस्टर वॉलपेपर का, इसके सामने वाले बटन को टैप करके इसे ऑन करना है। तो आपका नीचे ये करंट वॉलपेपर का ऑप्शन अब आपको सेलेक्ट करेंगे तो ये करंट वॉलपेपर का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको इस करंट वॉलपेपर के इस पेज में आपको सबसे नीचे ये ऑप्शन मिलता है ऐड लोकल वॉलपेपर, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, आपके फोन मोबाइल फोन की गैलरी आपकी ओपन हो जाएगी। यहां पर आप अपने ना फोटोज यहां पे सेलेक्ट कर लीजिए, जितनी मर्जी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। इसके बाद आपको सबसे ऊपर ये राइट क्लिक का ऑप्शन है, इसे आपको एक बार टैप करना है तो ये आपका एडिट सक्सेसफुली हो जाएगा। अब देखिए सेटिंग कैसे काम करती है। आप अपने मोबाइल फोन की लॉक स्क्रीन पर जाइए, ठीक है। लॉक स्क्रीन पर जाएंगे तो यहां पर आप राइट में ऐसे स्लाइड करेंगे तो आपके जो लॉक स्क्रीन के पोस्टर होते हैं ना, लॉक स्क्रीन के पोस्टर के साथ आपने जो अपनी फोटो सेलेक्ट करी थी वो आपकी फोटोज आपकी लॉक स्क्रीन के फोटोज के साथ ऐड हो जाएंगे। ये देखिए मिक्स हो गए हैं के साथ, ठीक है। तो यहां पर जो है ना ये सेटिंग ऐसे काम करती है। अगर आपको मान लीजिए आगे चल के अगर कभी अपनी फोटोज को यहां से हटाना है अपनी लॉक स्क्रीन पोस्टर से, तो आपको करना क्या है, आपको जो है ना करंट वॉलपेपर की सेटिंग में आपको फिर से वापस जाना है इसी पेज में करंट वॉलपेपर में। इसमें आपको इस पेज को ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और आपको सबसे नीचे फोटोज आपकी दिख जाएंगी, ठीक है। यहां पर आपको एक एक करके अपनी फोटोज यहां पे सेलेक्ट करनी है और इसे नीचे रिमूव का ऑप्शन सेलेक्ट करके इसे ओके कर देना है। तो आपकी जो फोटोज आपने जो ऐड करी थी वो आपकी यहां से डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया इस सेटिंग का, ठीक है, कि कैसे आपको इस सेटिंग को यूज करना है।